नमस्कार दोस्तों, रेलपथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आज डिस्कस करेंगे WCR के मुंबई डिवीजन में हुए 20% LDC कोटा JEE PVA के बारे में। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 27 अगस्त 2022 को 10:30 में हुआ था। इसमें टाइम टोटल 120 मिनट दिए जाते हैं और ये 100 मार्क का क्वेश्चन रहता है, पर 110 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन राजभाषा के होते हैं, वो ऑप्शनल होते हैं। आप अगर वो 10 क्वेश्चन ले रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए मैं अब क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में 110 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस कराया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं JEE PVA रिलेटेड इससे पहले भी बहुत क्वेश्चन का वीडियो मैं लोड कर दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। उथले स्क्रीनिंग में डैश गिट्टी की जांच नहीं की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा कुशन की जांच नहीं की जाती है। डीप स्क्रीनिंग में कुशन की जांच होता है, लेकिन ये जो है शैलो स्क्रीनिंग में कुशन की जांच नहीं होता है, सिर्फ स्लीपर के आसपास को ही फोड़ा जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। प्लेन ट्रैक की डीप स्क्रीनिंग डैश वर्षों में एक बार की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्षों में। अगर आपको लूप लाइन के बारे में पूछा जाएगा यार्ड का, तो आप उसमें 15 वर्ष लगा सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों बता दे रहे हैं? क्योंकि वो भी क्वेश्चन बनते हैं। वक्र को 2.5 mm की सटीकता के साथ वर्साइन से मापा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 mm हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, 1 mm को भी इसमें महत्व समझा जाता है, क्योंकि अगर आप पॉइंट पे वर्साइन लेते हैं तो आपको डिजाइन मूल से प्लस माइनस 3 mm तक ही मान्य होता है, और अगर आप गुलाई में कर्व में कहीं भी आप वर्साइन लेते हैं तो स्पीड के हिसाब से या फिर जितना डिजाइन वर्साइन वैल्यू है उसका प्लस माइनस 20% तक मान्य होता है, इसीलिए इसका आंसर 1 mm हो जाएगा। वक्रों पर डैश रेल को अनुदैर्ध्य स्तर के स्तंभ के रूप में लिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक रेल को। आंतरिक रेल को आप बेस रेल मान के आप बाहर के रेल को एसी के हिसाब से, आप सुपर एलिवेशन के हिसाब से आप उसको उठा सकते हैं। SSA PVA JEE PVA को डैश पखवाड़े में अपनी प्रभारी के पूरे सेक्शन का पुश ट्राली द्वारा निरीक्षण करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एक बार, यानी आंसर ए हो जाएगा। JEE PVA को अपने सेक्शन को डैश में एक बार ट्रेन से नाइट पेट्रोलिंग चेक करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महीने में एक बार, यानी आंसर सी हो जाएगा। स्लीपर को सीधा ट्रैक पर रेल की पटरियों पर डैश रखा और बनाए रखा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लीपर पर यह वर्गाकार स्थिति में रखा जाना चाहिए, इसका आंसर वर्ग हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। आप टी स्क्वायर से भी अगर मापते हैं तो आप उसको वर्ग करते हैं, सीधा करते हैं। BG मुख्य लाइन के लिए न्यूनतम स्लीपर घनत्व डैश प्रति किलोमीटर होना चाहिए, तो BG लाइन जो है मेन लाइन है, तो आप न्यूनतम स्लीपर घनत्व, इसका आंसर 1540 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। गार्ड रेल डैश पर उपलब्ध कराई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुल पर, यानी आंसर सी हो जाएगा।
डैश क्षेत्रों में रेलों का क्षरण देखा जाता है। तो रेलों का क्षरण अधिक कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री तट के पास, औद्योगिक बोल्ट के पास और पानी के कॉलम के पास। इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा, ए बी सी यानी आंसर डी हो जाएगा। ओएमएस का पूर्ण रूप क्या है, तो ओएमएस का आपको पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा ऑसिलेशन मॉनिटरी सिस्टम, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक के बकलिंग से ट्रेन पटरी से उतर सकती है, तो ये बिल्कुल सही है, अगर बकलिंग होगा तो पटरी से उतर सकती है, यानी आंसर इसका ए हो जाएगा। बकलिंग अगर आपको नहीं मालूम है तो ट्रैक अगर ऐसा सीधा के बजाय ऐसा टेढ़ा हो जाता है। डेटोनेटर का सामान्य जीवन 10 वर्ष होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी आंसर बी हो जाएगा। हाइट गेज उपलब्ध कराने के लिए गेट पोस्ट से मीटर में न्यूनतम दूरी क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, यानी आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको गेट से एक भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ना है एग्जाम में, तो आप मेरे वीडियो को, एक वीडियो डाला हुआ है संपार एलसी गेट, तो उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको एलसी गेट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। एलसी के गेट पोस्ट से सिंगल क्रॉस बोर्ड प्रदान करने के लिए मीटर में कितनी दूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर, यानी आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इसमें बोर्ड जो लगाया जाता है, एक में सिंगल स्ट्रिप लगाया जाता है और 200 मीटर पे डबल स्ट्रिप लगाया जाता है। जेईपीवे मानसून से पहले के 10 महीने से कम एक बार सभी साइड ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन और ब्रिज वाटर वे का निरीक्षण करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल में, यानी आंसर ए हो जाएगा। 60 किलोग्राम टंग रेल के लिए अनुमत वर्टिकल बियर 10 mm है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 mm, यानी आंसर डी हो जाएगा। एक पेट्रोलमैन की चलने की गति सामान्य रूप से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आंसर ए हो जाएगा। कंक्रीट स्लीपर को VFR की लंबाई के लंबवत रखा जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, ये लंबवत ही रखा जाना चाहिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। एक गेटमैन के पास डैश का फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए चिकित्सा विभाग से, तो इसका आंसर हो जाएगा A3 होना चाहिए, यानी आंसर बी हो जाएगा। चाबी वाला के दैनिक निरीक्षण के दौरान PSC स्लीपरों की संख्या डैश में ERC को ग्रीस करना पड़ता है जब उसकी पूरी लंबाई PSC स्लीपर के साथ होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B स्लीपर, यानी आंसर बी हो जाएगा। गैंग वाले औजारों और उपकरणों का डैश में एक बार निरीक्षण JEPVA के द्वारा किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महीने में एक बार, यानी आंसर बी हो जाएगा। रेल के छेदों को चैम्परिंग तनाव की एकाग्रता को 10% तक कम कर देती है, तो इसका आंसर देखिए दोस्तों 18 से 20% होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो इसका आंसर आप 14% लगा सकते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि रेल की क्लैम कटिंग अपरिहार्य है तो काटने से पहले दोनों तरफ 10 mm का प्री हीटिंग करना होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 150 mm, यानी आप कहीं भी पढ़े होंगे हीट अफेक्टेड जोन को कट करने के लिए 150 mm का होगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल्स के एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट में दूसरा कोट इमल्सन के साथ दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बिटुमिनस, यानी आंसर बी हो जाएगा।
जॉगल्ड फिश प्लेट और क्लैंप से सुरक्षित DFW वेल्ड्स को डैश दिनों में बदल दिया जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 दिनों में, यानी आंसर सी हो जाएगा। 40 GMT वाले वर्गों में SKB वेल्ड्स परीक्षण की आवृत्ति डैश वर्षों में एक बार होती है। इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्षों में, यानी आंसर बी हो जाएगा। मपने वाले गिट्टी के ढेर को छिड़काव द्वारा पहचाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप गिट्टी का ढेर लगा दिए हैं तो किनारे किनारे वो चूना लगा दिया जाता है, क्योंकि वो गिट्टी के ढेर में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ERC के बड़े पैमाने पर स्नेहन दोनों ओर के डैश स्लीपरों को बरकरार रखकर किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15, यानी आंसर आपको ए हो जाएगा। डैश MM नए BGPSC स्लीपरों के लिए नाम मात्र का गेज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1673, यानी आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, आप इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि रेल का गेज 1676 होता है और PSC स्लीपर का गेज 1673 होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। PSC स्लीपर का डैश स्क्रैप वैल्यू है, तो दोस्तों आपको मालूम होगा अगर स्लीपर फुट टूट जाता है तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक के केंद्र में और कंधे पर गिट्टी को उतारने का काम डैश वैगनों का उपयोग करके किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? BOB/N, यानी इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। चलनी विश्लेषण में गिट्टी का प्रतिधारण डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वजन के द्वारा। वजन करने के बाद उसका परसेंटेज निकाल के गिट्टी का जो है प्रतिधारण किया जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा वो मालूम चलता है 60% आया या फिर 50% आया, उसको लेना है या रिजेक्ट करना है। गिट्टी के लिए घर्षण और प्रभाव मूल्य का प्रशिक्षण प्रत्येक डैश कॉम गिट्टी की आपूर्ति के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2000, यानी आंसर बी हो जाएगा। पुल को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, पुल जब कुल रैखिक जलमार्ग 350 मीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह महत्वपूर्ण ब्रिज है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 100 मीटर से कम मुख्य स्पैन वाले पुलों के लिए ट्रॉली रिफ्यूजेस हर डैश मीटर पर उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर, यानी आंसर बी हो जाएगा। असर प्लेटों का उपयोग गडर पुलों पर किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैंटेड, यानी आंसर ए हो जाएगा। गडर पुल के ऊपर बीजी ट्रैक के लिए गार्ड रेल का अभिसरण -MM की लंबाई के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4875, यानी आंसर बी हो जाएगा। बीजी नए ट्रैक पर ब्रिज टिम्बर की स्पष्ट दूरी -MM से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 450 MM, यानी आंसर ए हो जाएगा। प्लेट गर्डर पुलों के लिए उपयोग किए जाने वाले हुक बोल्ट डैश प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होता है झुका हुआ पैर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बीजी ट्रैक पर रेल जोड़ों पर ब्रिज टिम्बर की स्पष्ट दूरी -MM से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा 200 MM, यानी आंसर सी हो जाएगा। पुलों में खतरे के निशान को डैश रंग से रंगा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंगों से, यानी आंसर बी हो जाएगा। प्रत्येक डैश मीटर के लिए
लकड़ी का स्लीपर द्वारा प्लेटफॉर्म लाइन से दूरी प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर पर, यानी आंसर ए हो जाएगा। सिंगल लाइन सेक्शन ट्रैफिक के मामले में रेल को LHRH के रूप में डैश पहचाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिस तरफ से अगर किलोमीटर बढ़ रहा है तो उसी तरफ से आप LHRH का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डैश जोड़ों को चिकनाई नहीं दी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंसुलेटेड, यानी आंसर ए हो जाएगा। प्रत्येक गैंग चार्ट डैश महीनों के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक साल के लिए, यानी 12 महीने, आंसर सी हो जाएगा। प्री टैंपिंग कार्य डैश द्वारा रख रखाव की त्रिस्तरीय प्रणाली में किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा MMU, यानी आंसर बी हो जाएगा, मोबाइल मेंटेनेंस यूनिट। डैश टैंपिंग कार्य के लिए दौरान TTM द्वारा गति विधि नहीं की जा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग, यानी आंसर सी हो जाएगा। डैश का उपयोग रेल के तल में दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दर्पण और आवर्धक लेंस, यानी आंसर ए और बी दोनों, यानी सी हो जाएगा। दर्पण में देखा जाता है और आवर्धक लेंस उसके ऊपर लगाया जाता है जिससे बारीकी दरार दिख जाए। डीप स्क्रीनिंग प्रक्रिया में मैनुअल डीप स्क्रीनिंग के लिए आकार डैश MM की स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30x30, यानी आंसर बी हो जाएगा। वक्र की माप की तारीख से डैश के भीतर पुनः संरेखित किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महीना, यानी आंसर सी हो जाएगा। BG एयर रूट ट्रैक में वक्र डैश मीटर तार पर मापा जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर, यानी आंसर बी हो जाएगा। BG में वक्र में एक मोड़ की न्यूनतम त्रिज्या डैश मीटर है, तो इसका आंसर सीधे स्विच लेआउट के TO 1.5 पर मालगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आंसर बी हो जाएगा। BG वक्र की अधिकतम डिग्री डैश है, तो BG वक्र की अधिकतम डिग्री 10 डिग्री है, यानी आंसर बी हो जाएगा। डैश अपकेंद्रीय बल को संतुलित करने के लिए वक्र पर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है उठान, यानी आंसर ए हो जाएगा। डैश सड़क यातायात के खिलाफ LC गेट को बंद और लॉक करने के बाद गेटमैन द्वारा प्राधिकरण दिया जाएगा, तो गेटमैन के द्वारा क्या होता है? PN एक्सचेंज होता है, यानी प्राइवेट नंबर, यानी आंसर ए हो जाएगा। एक मानव रहित LC में सड़क उपयोगकर्ता के लिए डैशबोर्ड निकटतम ट्रैक के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर सड़क पहुंच में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? स्टॉप बोर्ड उपलब्ध कराना चाहिए, यानी आंसर ए हो जाएगा। गर्म मौसम में गश्त तब शुरू की जाती है जब प्रचलित रेल तापमान TD+0°C से ऊपर हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? TD+20°C, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। डिस्ट्रेसिंग के दौरान प्रत्येक डैश स्लीपर पर रोलर्स लगाए जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 15 स्लीपर पे रोलर किस लिए लगाया जाता है? क्योंकि रेल फ्री होना चाहिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। लिफ्टिंग के साथ LWR ट्रैक में फास्टनिंग के नवीकरण के पर्यवेक्षण का न्यूनतम स्तर डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा JE, यानी आंसर सी हो जाएगा। आपात गश्ती दल डैश के द्वारा शुरू किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गैंगमेट, इमरजेंसी में अगर गर्मी बढ़ गया तो वो चालू कर सकता है, यानी आंसर सी हो जाएगा।
प्रत्येक गश्ती दल की भी लंबाई 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अगर बीट पूछा है इसलिए इसका आंसर 5 किलोमीटर हो गया, अगर इसकी टोटल दूरी पूछा जाएगा तो 20 से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। टेम्पर्ड वाशर का उपयोग डैश में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा CMS क्रॉसिंग में, यानी आंसर बी हो जाएगा। चेक रेल का उद्देश्य ट्रेन के पटरी से उतरने से रोकना होता है, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर सर ए हो जाएगा। RAW का फुल फॉर्म पूछा है, तो RAW का क्या होगा, रेलवे अफेक्टिंग वर्क्स, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। इंजीनियरिंग संकेतकों का उपयोग डैश अवधि के कार्य के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लंबा और छोटा दोनों, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर लॉन्ग अवधि के लिए कार्य है तो क्वेश्चन ऑर्डर लगाया जाता है, और शॉर्ट अवधि के कार्य है तो बैनर फ्लैग लगाकर किया जाता है, इसलिए इसका आंसर दोनों हो जाएगा। संपार पर न्यूनतम चेक रेल निकासी डैश MM है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51 MM, यानी आंसर बी हो जाएगा। नए BG मतदान में स्विच का अनुमेय थ्रो डैश MM है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 115 MM, यानी आंसर ये हो जाएगा। रेल स्तर में BG उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म की न्यूनतम ऊंचाई, तो न्यूनतम ऊंचाई पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 760 MM। अंतराल सर्वेक्षण एक डैश में एक बार आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये जो गैप सर्वे है वर्ष में एक बार किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अंतराल सर्वेक्षण तब किया जाता है जब रेल का तापमान डैश ट्रेड में ही हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उठता हुआ टेम्परेचर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। गिट्टी का प्रोफाइलिंग और वितरण डैश मशीन द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये BRM मशीन के द्वारा प्रोफाइल बनाया जाता है, यानी आंसर डी हो जाएगा। ट्रैक निगरानी में पृथक ध्यान के लिए उपयुक्त डैश आधारित विधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा ये चोटी और SD, यानी पिक भी उसमें पता चलता है और SD, यानी इसका आंसर हो जाएगा बोथ A और B दोनों। 100 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ ट्रैक के लिए OMS निरीक्षण डैश महीने में एक बार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक महीने में एक बार, यानी आंसर ये हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल के लिए स्लीपरों पर 52 kg रेल तय की जा सकती है, तो इसका आंसर है बिल्कुल सही, इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 kg अगर स्लीपर है तो 52 kg का रेल लगाया जा सकता है। SKV प्रकार के AT वेल्ड के लिए अंतर है डैश MM, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 ±1, यानी आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक में वेल्डिंग करने से पहले दोनों तरफ कम से कम डैश स्लीपरों को बंधन मुक्त कर दी जानी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 स्लीपर, दोनों तरफ 5-5 स्लीपर को गिरा दिया जाना चाहिए। रेलवे सीमा पत्थर हर डैश पर उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक 50 मीटर पर, यानी आंसर ए हो जाएगा। स्टॉक इंडेड डैश प्रतियों की संख्या में तैयार किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 प्रतियां में, यानी आंसर डी हो जाएगा। पीवे सामग्री का लेखा स्टॉक सत्यापन डैश वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक वर्षों में एक बार, यानी आंसर ये हो जाएगा। स्टेशन यार्डों
को हर साल डैश में अंडर ग्रोथ के लिए साफ किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मई में साफ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मानसून से दो महीने पहले किया जाना चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। पीवे के अस्थायी कर्मचारियों को भुगतान डैश की उपस्थिति में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडीएन से, यानी आंसर ए हो जाएगा। कीमन एक दिन में अपने पूरे बीट का डैश निरीक्षण पैदल ही करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। डैश कीमन द्वारा लाल और हरे झंडे की संख्या 7 की जाएगी। तो इसका आंसर है 2 रेड और 1 ग्रीन झंडे, यानी टोटल 3 झंडा उसके पास होना चाहिए। इसका आंसर सी हो। IMR रेल वेल्ड लाल रंग के डैश क्रॉस के निशान द्वारा दर्शाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस, यानी आंसर सी हो जाएगा। 13 मीटर लंबी रेल का परिवहन डैश डीप लोरियों की संख्या द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 मीटर रेल जो है 2 डीप लोरी से ले जानी चाहिए, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। USFD मशीन के डबल रेल टेस्टर में डैश प्रोब की संख्या होती है। तो इसका आंसर देखिए अभी 14 आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी इसका करेक्शन हो करके आपको 18 इसका आंसर, अगर न्यू के हिसाब से देखा जाए तो 18 हो जाएगा। 60 किलोग्राम PSE स्लीपर पर प्रयुक्त प्रोब रबर पैड टी डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37/11, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 1660 नग प्रति किलोमीटर के स्लीपर घनत्व में स्लीपर स्पेसिंग डैश सेमी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। अधिकतम IR में अनुमत रेंगना डैश है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम परमिसिबल क्रीप इन इंडियन रेलवे इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 mm, यानी आंसर बी हो जाएगा। गेज को ट्रैक में रेल टॉप के नीचे 10 mm मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 mm। दोस्तों इसका कहीं कहीं 13 से 15 भी देगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, आप भी इस आंसर को लगा सकते हैं। फिश प्लेट को चिकनाई देने के लिए सख्त पेस्ट बनाने के लिए ग्रीस और के आयल को डैश के अनुपात में मिलाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:2, यानी आंसर ये हो जाएगा। डैश मीटर लंबाई के ट्रैक को एक दिन में गहरे यानी डीप स्क्रीनिंग कार्य में अनस्क्रीन छोड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युतकृत खंडों में बीजी ट्रैक के केंद्र में FOB की ऊंचाई न्यूनतम 10 mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6250, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। टैंपिंग मशीन के काम करने का डिजाइन मोड डैश अवशिष्ट त्रुटि का कारण बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों आंसर नहीं पता है, अगर किसी दोस्तों को पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। संरेखण सुधार तब किया जा सकता है जब यूनिमेट केवल डैश ट्रैक पर काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये टर्नआउट पर, यानी आंसर बी हो जाएगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में 880 ग्रेड रेल को 710 ग्रेड रेल के साथ बेल्ड किया जाना हो तो उपयोग किए जाने वाले वेल्डिंग भाग डैश ग्रेड होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 880 ग्रेड वाला ही होना चाहिए, आंसर सी हो जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति वाले बीजी ट्रैक पर डैश जी स्थान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 110 किलोमीटर से अगर ऊपर है तो इसका क्या हो जाएगा, 0.15, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पार्श्व संरेखण के समाप्त बेल्ट के लिए सहिष्णुता 10 सेमी सीधे किनारे पर
डैश एमएम है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 0.3 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत संघ की राजभाषा डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि, यानी आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा नियमों के तहत वर्गीकृत क्षेत्र डैश है, तो इसका क्षेत्र है ए बी सी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, क ख ग। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी आंसर ये हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम के अनुसार महाराष्ट्र डैश क्षेत्र में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ख क्षेत्र में, यानी आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा नियम डैश वर्षों में पारित किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1976 में, यानी आंसर सी हो जाएगा। निजी अध्ययन से प्रवीण को उत्तीर्ण करने के लिए एक मुफ्त पुरस्कार रुपया डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1500 रुपया, यानी आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रबोध, यानी आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राजभाषा आयोग का गठन डैश वर्ष में किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1955 में, यानी आंसर बी हो जाएगा। अंशकालिक हिंदी पुस्तकालय अध्यक्ष को दिया जाने वाला मानदेय डैश प्रति माह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए, अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें।